वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बिना तोड़े नहीं छोड़ेंगे, बिना ठोके नहीं रुकेंगे, कार्रवाई होकर रहेगी। माफिया सुन लो, तुम्हारी खैर नहीं। सूबे के मुखिया शिवराज ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से उन माफिया गुंडों तस्करों को साफ कह दिया है। शिवराज सरकार में काली कमाई कर अमीर बनने के सपने संजोने वालों सतर्क हो जाओ। इतना ही नहीं, आपको याद होगा खुले मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने माफिया और तस्करों को कहा था, सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। लेकिन यकीन मानिए, शिवराज ने जो कहा है उसे अंजाम तक पहुंचाने में जी जान से लगे हुए हैं। इसके ताजा साक्ष्य हम आपको दिखाते हैं। इन रेलम पेल चलते बुलडोजरों से दिखाना चाहते हैं आपको कि ये बुलडोजर जिन घरों को जमींदोज करते दिख रहे हैं, ये किसी और के आदेश से नहीं, शिवराज सरकार की मुहर लगी है तब ये बुलडोजर आलीशान घरों को पल भर में जमींदोज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक पल के लिए सोचा है इन आलीशान घरों को यूं गिरा देने से किसी को क्या मिलेगा? आपको कुछ समय के लिए लग सकता है ये शिवराज के राज का अत्याचार है, लेकिन रुकिए, नजरें जमा कर देखिए, इस खबर को समझिएगा तो समझ जाइएगा। जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है, जो होगा बिल्कुल ठीक होगा, ये भरोसा है शिवराज सरकार का, एमपी के सिरमौर का। खुले मंच से एमपी का टाइगर जब गरजता है तो क्या कहता है जरा सुन लीजिए, फिर बताते हैं इस बार शिवराज के राज में किस माफिया की अंतिम विदाई हो रही है। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भू माफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का जबलपुर जहां शराब माफिया अपना ठिकाना बना रहे हैं, लेकिन जबलपुर में मामा का बुलडोजर इनके नापाक इरादों पर पानी फेर देता है। हत्या तस्करी जैसे संगीन अपराधों के 20 से ज्यादा मामलों का आरोप मशहूर स्ट्रीटर अब्दुल रज्जाक का चेला अकील खलीफा, जिसने काले धंधों से करोड़ों की दौलत कमाई, कई महीनों से प्रशासन की नजर में था। इसके साथ ही कई अवैध निर्माण करते हुए प्रशासन को खुली चुनौती देता रहा, लेकिन इसकी करोड़ों की दौलत शिवराज के माफिया सफाया अभियान की भेंट चढ़ गई। 12 करोड़ से ज्यादा कीमत के मकान, दुकान और गोदाम को मामा के बुलडोजर ने चुटकियों में मिटा डाला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय हमें देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला